के साथ। कोरोना की दूसरी लहर के कारण बाजार बंदी समेत अन्य प्रतिबंधों में ढील दी गई है। शासन प्रशासन की ओर से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील हो रही है, पर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लोगों में सजगता की कमी दिखाई दे रही है। ऐसे में नमामि गंगे की ओर से गंगा घाटों पर कोरोना महामारी के प्रति लोगों में जागरूकता मुहिम चलाई गई। बृहस्पतिवार को इस मुहिम के तहत नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने सहभागिता की। 80 घाट से होते हुए 80 सब्जी मंडी तक टीम ने नाविकों, पुरोहितों, पूजन सामग्री विक्रेताओं, राहगीरों, ठेला पट्टी व्यापारियों एवं अन्य दुकानदारों को मास्क बांटकर जागरूक किया। बिना मास्क लगाए नागरिकों को रोक कर मास्क दिया, उन्हें कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से आगाह भी किया। स्वच्छता का पाठ पढ़ाती तख्तियों व लाउडस्पीकर से घाटों पर गंदगी न करने की अपील की। गलियों एवं सड़कों पर भी स्वच्छता अपनाने का निवेदन किया। राजेश शुक्ला ने राष्ट्र ध्वज लेकर लोगों को चिताया। राष्ट्र, समाज और परिवार की सुरक्षा हेतु सभी से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया। इसके पूर्व 80 घाट पर राष्ट्रीय रोटी बैंक की अध्यक्षा पूनम सिंह व मोहम्मद मुस्तफा ने गंगा सेवा के लिए नमामि गंगे टीम के सदस्यों का सम्मान किया। गंगा सेवकों को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्रम देकर प्रोत्साहित किया। इस दौरान प्रमुख रूप से काशी प्रांत के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सत्यम जायसवाल, रश्मि साहू, सारिका गुप्ता, पुष्पलता वर्मा, विकास तिवारी, सोनू, सारिका सिन्हा, दीपक सिंह, हर्षा नथानी, भावना गुप्ता, सुनाली यादव, चंदन सिंह आदि ने सहयोग दिया। सच के साथ।